वायरस शहर में रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा और उससे सुरक्षा ये वैक्सीनेशन से के द्वारा जो एंटीबॉडी जनरेट होती है एक आध महीने के बाद सेकेंड डोज के बाद उससे ही होता है। और जिस तरह से अन्य वैक्सीनेशन से उसी तरह से ये भी वैक्सीनेशन है, जिस तरह के सिम्टम्स अन्य वैक्सीनेशन में आते हैं, बॉडी एक होना, हल्का फीवर आना, सिर दर्द होना, वही चीज़ यहाँ पर भी कुछ लोग केसेस में होती है। इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा कोविड का समय थोड़ा तकलीफ का था शहर के लिए, सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए, जिस कारण वैक्सीनेशन थोड़ा बहुत एक भय होना थोड़ा स्वाभाविक से रहता है। पर ये वैक्सीन भी हर उस वैक्सीन की तरह है जो अभी तक लगाई जाती रही है, चाहे बच्चों को, मदर को, बड़ों को, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और इसको जब भी मौका लगे तत्काल लगवाएं इसको। स्वागत वंदन करते हैं और मैं चाहता हूं बाबा साहब दो मिनट आप अपने प्रिय सभी आपके परिवार के लोगों को संबोधन करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारे माता और बहनों की। मैं सोलंकी परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं कि जो प्रेम और जो स्नेह आप सबने हमें दिया है, हम भी आपको वादा करते हैं कि आप सबकी सेवा में हम निरंतर आप सबके लिए हाजिर रहेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम सबको आने वाले समय में मिलकर काम करना है। जो लोग बिकाऊ थे वो तो बिक के चले गए, आप सिर्फ मजबूत लोग रह गए कांग्रेस में। और हम सब संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करके हम गरीबों की सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसा है?
अरे भैया।